बकरीद त्योहार को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने महानगर की कई सड़कों पर आवागमन प्रतिबंधित किया है तथा रूट डायवर्जन भी किया है जो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक लागू रहेगा। जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि बकरीद के त्योहार के मद्देनजर देखते हुए कुशलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए शहर में विभिन्न मार्गों का रूट डायवर्जन किया गया है, जिसमें जामा मस्जिद घंटाघर की तरफ से जाने वाले समारोह के रास्ते पर नमाज शुरू होने से लेकर खत्म होने तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। अलहदादपुर की तरफ से घंटाघर की तरफ रायगंज होते हुए सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से घंटाघर के मार्ग पर जाने वाले सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं रेती चौराहे से घंटाघर की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा शहर में चारों तरफ से जो प्रवेश करने वाला ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को बाहर बाहर पास कराया जाएगा, जो कि मोहद्दीपुर से कवाबाग खजांची मेडिकल रोड होते हुए पास कराया जाएगा। शहर में किसी भी प्रकार का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर हैं वह सभी ड्यूटी पर रहेंगे। इस बकरीद के त्योहार को संपन्न कराने के लिए सभी चौराहों, सभी गलियों में और सभी मस्जिदों पर आने जाने के रास्तों पर यातायात पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, कल बकरीद का त्यौहार है। बकरीद के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए कुशलतापूर्वक इसको संपन्न कराने के लिए शहर में विभिन्न मार्गों पर रूट डायवर्जन किया गया है। उसमें प्रमुख रूप से घंटाघर से शाहमारूफ वाले रास्ते पर और अलादादपुर नॉर्मल टैक्सी स्टैंड रेती चौराहा से घंटाघर की तरफ आने वाले ट्रैफिक जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त शहर में चारों तरफ से जो प्रवेश करने वाला ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को बाहर ही बाहर पास कराया जाएगा, जो कि मोहद्दीपुर से कौवाबाग होते हुए खजांची होते हुए मेडिकल रोड होते हुए अथवा इंडस्ट्रियल होते हुए उसके लिए पास कराया जाएगा। और शहर में किसी भी प्रकार का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी नॉर्मली जो हमारे ड्यूटी पे रहे हैं वो सभी ड्यूटी रत रहेंगे। इसके अतिरिक्त ईद को संपन्न कराने के लिए हमने सभी प्रमुख चौराहों पर, सभी गलियों पर और सभी जामा मस्जिद सहित प्रमुख मस्जिदों पर जाने वाले रास्ते पर सुरक्षाकर्मी, ट्रैफिक यातायात पुलिसकर्मी लगाए गए हैं।